हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि अगर हम मार्केट में 5,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या 5,000 रुपया हमारा बन जाएगा। व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको सारी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लमसम की, ठीक है? एक छोटा सा कैलकुलेशन है लमसम की, जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर आप मात्र 5,000 रुपये जो है वो इस सिचुएशन में आप डाल देते हैं, ठीक है, जिसको हम वन टाइम लिख देते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वन टाइम आपने एक बार 5,000 रुपया डाल दिया, एक बार की मैं बात कर रहा हूँ। और मान लीजिए कि आपने कोई फेवरेट अपना फंड चुना है, ठीक है, अगर वो आपका फेवरेट फंड इसलिए होगा क्योंकि वो अच्छा रिटर्न आपको बना करके दे रहा होगा। मान लेते हैं कि आज के वक्त में 20-22% रिटर्न तो एक एवरेज रिटर्न है कि अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड जो है वो आज के वक्त में 20-22% का रिटर्न, ऑल ओवर रिटर्न, ठीक है, 10 सालों की बात करें तो उतना का रिटर्न तो बना करके दे रहे हैं। हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 18% ही हमें वहां से मिल जाता है, ठीक है, फ्यूचर में हमें 18% मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि इसी 5,000 रुपये की वैल्यू हमारे 10 साल में कितनी बन जाएगी। हमने यहाँ पे हर एक इन्वेस्टर्स के लिए बताते हैं, ठीक है, कोई छोटा इन्वेस्टर्स भी है, कोई बड़ा इन्वेस्टर्स भी है, कोई लंबे समय के लिए भी आया है और कोई छोटे समय के लिए भी आया है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप 5,000 रुपये को म्यूचुअल फंड में लगा करके छोड़ देते हैं अगर आप 10 सालों तक, तो आपका यहाँ पे जो पैसा बन जाएगा वो है 26,100 रुपये। बहुत छोटा सा अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन आप इस 5,000 को देखिए, इस 5,000 का 5 गुना ये पैसा है, ठीक है। अगर वही आप यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो यहाँ पे आपका बन गया होता 5 गुना, यानी कि 5 लाख रुपए आपका वो 1 लाख रुपए बन गया होता। वही 20 सालों में आप देखेंगे तो 20 साल में वही 5,000 रुपया जो है वो आपका 1,36,000 रुपये बन जाता है, ठीक है, 1.36 लाख, ठीक है, 1,36,000 रुपये आपका 20 सालों में बनेगा केवल 5,000 रुपये में। आपके माइंड को जो रिफ्रेश करने के लिए ये मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, वही 30 सालों में वही आपका 5,000 रुपये जो है वो 7,16,000 रुपये बन जाएंगे, ठीक है, 7,16,000 रुपये बन जाएंगे। वही अगर आप इस पैसे को 40 सालों तक रहने देते हैं तो 40 सालों में जो आपके 5,000 रुपये की वैल्यू से बन जाएगी वो है 37,51,000 रुपये, 37,51,000 रुपये। क्या ये मजाक यहाँ पे चल रहा है कि हम 5,000 रुपये डालेंगे और ये कुबेर की खजाना की तरह, उससे भी अच्छा, ठीक है, वो तो पता नहीं, हमें समझ में नहीं आता, हम कहानी में सुने हैं कि कुबेर का खजाना, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको सच में खजाना बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे खजाना पैदा हो रहा है। आप मात्र 5,000 रुपये डालिए और देखिए कि आपका पैसा कितना तेजी से बढ़ रहा है। हमने 18% का रिटर्न लेकर के चला है, अगर आपको 20% का रिटर्न बन जाता है तो आपका ये जो है वो और आगे बढ़ जाएगा, 5 लाख रुपये और इसमें बढ़ जाएगा। तो देखिए, जब भी आपको मौका मिले, देखिए बीच बीच में हमें मौका दिया जाता है, मार्केट जब भी गिरे आप ये सोचिए कि हमें मार्केट मौका दे रहा है कि तुम्हारे पास ये मौका है, तुम्हारे पास 2,000 रुपये ही, 5,000 रुपये ही हो, 10,000 रुपये ही हो, तुम इस वक्त डाल दो, जो तुम इस वक्त डालोगे ये तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा। आप SIP जो कर रहे हैं उस SIP को आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन जब भी आपको 1 से 2 से 3 से 4% का आपको डाउन देखने को मिले, मार्केट में क्रैश देखने को मिले, तो आपके पास जो भी पैसा रहे उसको आप लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। और इतना बात आप याद रखिए कि मार्केट लंबे समय में हमको अच्छे रिटर्न ही बना करके देते, कभी भी हमें वो घाटा नहीं देता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस का फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।